वेलकम बैक गाइस टू माइनक्राफ्ट अगेन। सो पिछले एपिसोड में हमें 31 आयरन और एक डायमंड मिला था। सो आज हमें डायमंड ढूंढने जाना है ताकि अबे यार कम ऑन यार जो भी हो आज हमें डायमंड ढूंढने जाना है ताकि हम अचीवमेंट्स को कंप्लीट कर पाए। सो अचीवमेंट्स के अंदर डायमंड से हाँ ऑब्सीडियन वाला अचीवमेंट हो जाएगा एक, वो डायमंड के पिकैक्स वाला एक अचीवमेंट हो जाएगा, एंड ये दोनों ईजी अचीवमेंट्स हैं, इनको हम बाद में कर लेंगे। और इसको हम कर सकते हैं अगर मुझे स्नो बायो मिल जाएगा तो, और एक्सेलेटर फेंकर मुझे मिल जाएगा। सो देन हम देखते, पहले तो थोड़ा चेस्ट शॉर्ट करना है मुझे। इस चेस्ट को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसके अंदर सब फालतू का सामान डाल दो। द स्टोन पिकैक्स ये लेके चलते हैं ताकि हम वो बोले पाए। और ये आयरन को लेके मैं यहाँ से लेगिंग्स बना लेता हूँ। कैन आई जंप? ओह माय गॉड, आओ 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 आओ, सॉरी। तो अभी के लिए हम उसी रिव्यू में जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे, बिग ब्रेड 31। अबे यार इतने सारे हेबल से सिर्फ 31 ब्रेड बने क्या भाई? मुझे कॉपर भी ढूंढ के लाना पड़ेगा क्योंकि कॉपर ब्लॉक चाहिए मुझे, जिससे मैं कॉपर ब्लॉक से कॉपर को वॉक्स ऑन वॉक्स ऑफ कर सकूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके चलो। हाँ ये रहा वो रिवीन। व्हाट द हेल भाई, ये गामा ऑन नहीं हुआ है। रुको जरा मुझे गामा ऑन करके आने दो। 5 minutes later. चलो गाइस गामा के बिना ही कंटिन्यू करते क्योंकि गामा तो फॉर सम रीजन लोड नहीं हो रहा। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे घूम रहा हूँ, मुझे गोल्ड और आयरन के अलावा कुछ दिखा नहीं तब से। ये मेरा पहला गोल्ड का वेन है। यहाँ पे है आयरन, गिव मी दैट। यहाँ पे एक एमेथिस जियोट था, ऐसे मैंने कुछ शार्ड भी ले लिए है। मुझे लगा वो एक सेकंड के लिए लगा वो कोल है। आओ 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 आओ। आई डोंट लाइक दिस प्लेस। निकलते हैं भाई यहाँ से। आओ 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 आओ। पानी नहीं। आई नीड टॉर्चेस आई गेस, क्योंकि मेरे पास कुछ है। नो आई हैव टू ब्रेक इट। नो आई कांट ब्रेक इट। ये ज़ॉम्बी स्पॉनर है, इसको मैं बाद में इसकी फार्म बना सकता हूँ। गिव मी द लाइट्स। आओ नाइस वन, नॉट बैड, नथिंग इज बैड हेयर। मैं बहुत गरीब हूँ भाई, अभी मुझे सब चाहिए। अभी यार ये वर्ल्ड मुझे खेला हुआ क्यों लग रहा है? आई मीन इट फील्स लाइक किसी ने इस वर्ल्ड में पहले खेला है। हीरो ब्राइन एक्टिविटी, आई डोंट लाइक इट। चलो निकलते हैं यहाँ से, मैं इसका कोऑर्डिनेट्स नोट कर लूँगा। चलो फाइनली आई कैन लीव द प्लेस एंड एंड सम आई नीड टू किल सम स्पाइडर्स। कम ऑन गाइस, एक साथ नहीं। व्हाट द फक, इस पूरे केव में मुझे एक भी डायमंड ना मिला और गामा ने भी मेरे साथ स्कैम कर दिया। एंड आई नीड सम कोल टू बी ऑनेस्ट। गिव मी द कोल भाई, मेरा तो हो गया। 52 आयरन, 35 गोल्ड और एक स्पॉनर। अगर माइनिंग ट्रिप के हिसाब से देखो तो दिस वॉज प्रिटी सक्सेसफुल, लेकिन डायमंड्स के हिसाब से देखो तो मुझे घंटा कुछ नहीं मिला। बहुत 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 बड़ा केस था एंड आई एम एनॉयड। सो अभी जाके मैं 3 इजी अचीवमेंट करने वाला हूँ और 2 को मैं बाद में कभी करूँगा, क्योंकि डायमंड तो मुझे चाहिए, क्योंकि नहीं तो मैं कुछ ना कर पाऊँगा। ये रहा वो लाभा पुल जो कि मैं ढूँढ रहा था। सो आई कैन जस्ट दिस ओके, ऐसे नहीं करते हैं उसे। अबे ऐसे नहीं करते हैं उसे। ओके कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा। ये नेदर पोर्टल भी बन गया। नाउ आई जस्ट लाइट दिस अप। इसके लिए मेरे पास फ्लिंट तो है नहीं, स्टील भी नहीं है, तो मैं इसे लाइट अप कैसे करूँगा? व्हाट द हेल,
तो उसे लाइट अप होने देते हैं एंड तब तक मैं घर से घूम के पूरा चेस्ट शॉर्ट करके वापस आता हूँ, और मैं एक फायर चार्ज या फ्लिंट स्टीच भी लेके आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। माँ की यहाँ किसी ने ट्राइडेंट मारा, व्हाट द फक। मुझे क्रॉसबो बनाने के लिए ये ट्रिप वायर हुक चाहिए, ट्रिप वायर बनाने के लिए एक स्टिक, एक वुडन प्लैंक चाहिए। वुडन प्लैंक मेरे पास ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। कॉपर ब्लॉक ये बन गया मेरा, एंड इसको मैं वॉक्स ऑन कर दूंगा, इसे यहाँ पे लगा देते हैं अभी के लिए। तो मुझे क्या चाहिए था, वो स्टीन स्टिक है मेरे पास, आयरन है मेरे पास, क्रॉसबो शुड बी डन। स्ट्रिंग मिल जाए, क्रॉसबो द क्रॉसबो, थैंक यू। और ये हो गया आज का। अब एरोस क्या बंदे भाई, एरोस तो था अभी मेरे पास यही। हाँ नाइस वन, ओके ये हो गया मेरा एक अचीवमेंट। अभी मुझे बनाना है एक फ्लिंट, फ्लिंट के लिए मुझे ग्रेवल चाहिए, ग्रेवल मिल जाएगा मुझे पानी के नीचे। हेलो ग्रेवल, ये मिल गया फ्लिंट, गिव मी दैट। फ्लिंट के लिए मुझे फ्लिंट एंड स्टील चाहिए होगा, फ्लिंट एंड स्टील, गिव मी दैट। ये मुझे कोई घास वाले बायोम में स्पॉन दे दे, देन ईजी है बाकी। चलो स्पॉन मैटर्स, दिस इज नॉट अ वेरी बैड प्लेस टू बी ऑनेस्ट। ओ फक, मैं वो नहीं लाया भाई, गोल्ड का हेलमेट, दिस इज गोइंग टू बी बैड। मत कर भाई, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा। निकल, मैं ना सहता भाई, पेल देता भाई। वो तो वार फॉरेस्ट में जा रहा है, मुझे सोल सैंड वैली चाहिए था भाई, इतना अच्छा लग तो मेरा होगा नहीं। सो यू नो व्हाट, मैं घर जा रहा हूँ, ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा अभी के लिए। अब गाइस ये ऑप्शन अच्छा तो था, बट इसके बाद जो ऑडियो फाइल था मेरा वो क्रैश हो गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बता देता हूँ हुआ क्या। तो मैं वापस आ गया नेदर से, और मैंने कर दिया बीस का ब्रीडिंग, और बी हाइव के पास लगा दिए काफ़ी सारे फ्लावर्स, ताकि इनका पॉपुलेशन को पॉपुलेट करने का, वेट पॉपुलेशन को पॉपुलेट करने का इच्छा बढ़ जाए। तो देन इन्होंने मुझे दे दिया खुश होकर हनीकॉम्ब, और फिर इससे हो गए मेरे दो अचीवमेंट, एक था वॉक्स ऑन, एक था वॉक्स ऑफ। और फिर मैंने सोचा कि ओल्ड नेदर पोर्टल की तरफ चलते हैं, जो पुराना वाला था उस साइड को वहाँ पे। तो मैंने लगा दिया कुछ चेस्ट, और यहाँ पे कर दिया मैंने आइटम को सॉर्ट आउट। फिर मैं रात होते पहुँच गया उस नेदर पोर्टल में। अब जैसा कि तुम्हें पता है ये वाला एक केव के अंदर था, तो मैंने यहाँ पे कुछ देर तक एक्सप्लोरिंग किया, एक स्टेयर केस बनाया यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे वॉल के अंदर माइन कर रहा था, मुझे बार बार घास का साउंड आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर जाता गया एंड देन मैं आ गया यहाँ पे सोल सैंड वैली के पास। और यहाँ पे आते ही एक घास ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, बट मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं था वो घास कहाँ पे है। फिर जब मुझे वो दिख गया, मैंने ये अचीवमेंट भी कर लिया, इज इट अ बलून। फिर मैं यहाँ से वापस जा रहा था कि चलो ये नेदर का काम तो हो गया, अभी मुझे डायमंड ढूंढने वापस जाना है। लेकिन मैंने सोचा कि एक सेकंड रुको, अबे रुक जा भाई, अबे रुक जा। ओके सो मैंने सोचा था कि एक यहाँ पे कोई बैस्टियन होगा आई गेस, क्योंकि ये रेड बायोम के ऊपर है तो यहाँ पे काफ़ी सारे बैस्टियन होते हैं। तो एक बैस्टियन ढूंढ के चलते हैं, अगर मुझे ऑब्सीडियन मिल जाएगा तो मेरा एक और अचीवमेंट हो जाएगा। फिर मैंने कुछ देर तक और एक्सप्लोरिंग किया, और यहाँ पे मुझे मिल गया एक नेदर फोर्ट्रेस। एंड देन मेरा प्लान पूरा फिक्स था, मुझे नेदर फोर्ट्रेस में जाना था, अचीवमेंट लेना था, वापस आना था जस्ट उसको टच करके। मुझे कुछ लूटना नहीं था, मैं यहाँ पे आया, मैंने ऊपर टावर अप किया, अचीवमेंट लिया, और यहाँ पे मैंने देख लिया कि कोई नहीं है। एंड देन मैं चला गया फिर से नीचे, और नीचे वो गड्ढा है। सो मैंने सोचा कि इन फ्यूचर मैं कभी ना कभी इस गड्ढे में गिरूँगा, क्योंकि मैं इतना डम्ब हूँ। सो मैंने ये गड्ढे को भी ब्लॉक कर दिया। एंड देन मैं चलाया घर को वापस, और यहाँ पे मैंने और कुछ भी नथिंग और कुछ भी नहीं किया था।
एंड देन मैं स्ट्रेट बैक टू द होम, आई मीन क्या फालतू इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, जो भी हो मैं स्ट्रेट घर में आ गया वापस। और नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द आउटरो, सो गाइस सब्सक्राइब कर दो और मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। आज के 5 अचीवमेंट हो गए कंप्लीट, नेक्स्ट 5 अचीवमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय। तेरी मार।